हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं गुजरात के मशहूर गोटे के भजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलते रहेंगी। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक कप बेसन ली हूँ तो 1/4 कप मैंने रवा ली हूँ। कभी भी इसका रेशो ऐसा ही होना चाहिए, तीन गुना ज़्यादा बेसन होना चाहिए, ठीक है। 1/2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ। 1 बड़ा टेबलस्पून भर के अक्खा धनिया भुनकर कूट ली हूँ और यहाँ पर 1/2 टीस्पून ज़ीरा कूट ली हूँ। 2 टीस्पून शुगर चाहिए मुझे, शुगर पाउडर ली हूँ क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स है, हसबे ज़रूरत नमक है, 8 से 10 हरी मिर्ची है, 1 टीस्पून खाने का सोडा खा रहे हैं और यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऑयल गरम हो रहा है और एक चीज़ है ब्लैक पेपर जिसको हमको कूट के लेना है। अभी सबसे पहले इसके अंदर हम बेसन डालेंगे, रवा डालेंगे, शक्कर डालेंगे, गुजरात की तो हर चीज़ में शुगर होती है आपको मालूम है, धनिया और ज़ीरा डालेंगे, चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, नमक हम देख कर डालेंगे हसबे ज़रूरत, ठीक है, और हरी मिर्ची डालेंगे। हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया हमने और सब चीज़ों को अच्छे से पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने हाथ तो धो चुकी हूँ मगर मैं इसके लिए इससे मिक्स कर रही हूँ कि अभी मुझे इसमें गरम तेल डालना है। वो गरम तेल डालने से क्या होता है कि भजिए हमारे बहुत अलग स्टाइल से बनते, बहुत अच्छे बनते ये देखो। जो तेल मैंने गरम को रखी थी वो मैं स्लोली करके देखो, इतना गरम तेल मैंने डाल दी, ठीक है, और इसको स्पून से मैं मिक्स कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने अपने हाथ धो चुकी थी, अभी अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने हरा धनिया आपको नहीं बताई थी, इसमें हरा धनिया भी लगेगा हमको, ठीक है, और हम अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये देखो, यानी ऐसा कि भजिए हमारे बराबर से राउंड राउंड गिरे, थोड़ा और लगेगा हमको पानी, 1-2 चम्मच इतना, और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखो, क्योंकि इसके अंदर हमने रवा डाले तो हमको थोड़ा 10 मिनट के लिए इसको रखना है। अभी आपको मैं कड़ी बताती हूँ, इसकी कड़ी जो मिलती है रेडीमेड। अभी यहाँ पर कड़ी के लिए हम ले रहे 3/4 कप मैंने बेसन ले ली, उसमें 4 टेबलस्पून जितना दही डाल रही हूँ, उसके अंदर पीसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, हसबे ज़रूरत नमक डालेंगे हम, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। और तड़के के लिए हमको चाहिए राई, जीरा, अक्खी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता और हरा धनिया तो हम ऊपर से डालेंगे। अभी पानी डालेंगे और उसका एक बैटर रेडी कर देंगे। एक पिंच इसमें हम हल्दी डालेंगे और 1 पिंच हम इसमें हींग डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक अच्छा बैटर बना दिया हमने। वहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, पहले हम कढ़ी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबलस्पून जितना, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखो हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसे सबसे पहले राई, ज़ीरा और लाल मिर्ची डाल रहे हैं। अच्छा, लाल हो चुका है ज़ीरा, अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे और जो हमने ये मिक्सचर बना के तैयार करे कड़ी का वो डाल देंगे। अब देखें, ये सेम ऐसा मिक्सचर मिलता है गुजरात में गोटे के भजियों के साथ, इसको कड़ी बोलते हैं। इसको हिलाते रहेंगे हम, अभी देखेंगे कि कितनी ठीक हो रही है, तो कड़ी हमारी अच्छी पक रही है, ठीक है। साइड से आप देखें, कच्ची नहीं लगना चाहिए हमको। ये देखें हमने इसको स्लो गैस पर रख दिया, अभी यहाँ पर हम पकौड़े तलना तैयार कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे खाने का सोडा खा और 1-2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखो, अब हो गया ये बराबर, 1 ही टेबलस्पून काफ़ी था। अभी हम इसको ऐसा लेंगे, तो लूँगी कैसा वो देखो आपको, ये ऐसा हाथ से और ऐसा राउंड छोड़ेंगे, ऐसे हम सारे छोटे छोटे छोड़ेंगे बॉल्स जैसे। हम इस पर से हरा धनिया डाल रहे हैं, ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखो हम सब हो, इसको अच्छे से हमको दोनों तरफ से पलट देना है,
गोटा और कड़ी रोट दोनों रेडी हो चुके हैं। अभी आपको मैं सर्व करके बताती हूँ। हमने सारे गोटे अच्छे से निकाल लिए, अब इसको हम इसकी कड़ी के साथ परोसेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अल्लाह हाफिज़।